हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सरोही। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंटीग्रेशन के 6 मार्क्स के क्वेश्चन, समाकलन के हम 6 अंक के जो प्रश्न है वो देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा, क्योंकि मैं समाकलन की 10 चैप्टर के अंदर जो स्टूडेंट्स को मेनली प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टीज पर, कि निश्चित समाकलन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल में किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी को यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि समाकलन के अंदर से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है वो बेसिकली प्रॉपर्टी में से ही आने वाला है, क्लियर। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हम एक नॉर्मल क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके बाद में हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि एक डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर होता क्या है। तो देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन है 0 to π/2, लिमिट आपके पास में दे रखी है 0 to π/2 √tan x + √cot x और dx। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता रूट और टेन एक्स और रूट कॉट एक्स, देन हम क्या करेंगे क्योंकि ऊपर रूट भी लगा हुआ है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स आए, और जब भी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स आते हैं तो 10th में भी हमने यही सीखा है कि टेन एक्स और कॉट एक्स ये जो है इनको आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज करो। सर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब है, इसको इजी या सरल बनाने के लिए आप इसको साइन और कॉस में ले जाओ, क्योंकि साइन और कॉस में एक ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी रहता है। तो यहां से देखिएगा, हम टेन एक्स और कॉट एक्स को किस में चेंज कर रहे हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स में। तो 0 से π/2 रूट, यहां से टेन एक्स को हम लिख सकते हैं रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, क्लियर। नेक्स्ट प्लस रूट कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूं रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, और साथ में आपका डी एक्स तो है ही। अब देखिए एलसीएम क्या आ रहा है यहां से, तो एलसीएम हमारे पास में आ रहा है 0 से π/2, और एलसीएम हमारे पास में है रूट साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। साथ में लिख लेता हूं रूट साइन एक्स और कॉस एक्स, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। तो यहां से रूट कॉस एक्स, यहां से रूट कॉस एक्स कैंसिल, देन रूट साइन एक्स का मल्टीप्लाई रूट साइन एक्स से क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स, प्लस सेम सिमिलर यहां से रूट साइन एक्स है रूट साइन एक्स, तो बचा क्या रूट कॉस एक्स, और रूट कॉस एक्स का मल्टीप्लाई रूट कॉस एक्स से क्या होगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा कॉस एक्स। अरे क्लियर हो रही है ना बात। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हम टर्म देख रहे हैं कि 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब देखिए जब भी हमने 9th चैप्टर के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपने पढ़ा होगा, तो ऊपर वाला जो टर्म है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो किसी एक टर्म की हेल्प से हम इजीली ला सकते हैं। सर वो टर्म कौन सा है, तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सा है, यहां पर हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहां ये साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो सर इस साइन एक्स और कॉस एक्स को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बना दो ना। तो कैसे बनाएंगे, इधर देखना, एक यहां पर हम लिख रहे हैं 0 to π/2, अगर मैं रूट टू का ऊपर मल्टीप्लाई रूट टू का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो सर इससे होगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अपॉन में रूट इसी के साथ में चला गया रूट टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अरे क्लियर हो गया होगा। यहां से देखिएगा, मैंने इंटीग्रेशन के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन करवाए थे उसमें एक ऐसा टर्म आया था, और मैंने कहा भी था कि हम 2ab के फॉर्म को होल स्क्वायर फॉर्म दे सकते हैं, तो देखिए कैसे देंगे। तो यहां से देखिएगा रूट टू 0 से π/2, और यहां से हम क्या करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये 2ab का टर्म है, और ऐसे इंटीग्रेशन आपके 9th चैप्टर में बहुत सारे हैं। तो देखिएगा मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, रूट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो मेरे को यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए होगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो यहां कुल मिला के मेरे को 1 टर्म चाहिए होगा, मतलब 1 अगर यहां पर आ जाएगा तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हम करेंगे क्या, तो हम इस तरीके से इसका सेटअप करेंगे कि यहां पर होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाए। तो देखिएगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, मतलब 1 यहां से जोड़ रहा हूं तो 1 यहां से घटा रहा हूं। अरे क्लियर हो गई ना बात, मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, मैंने 1 यहां पर जोड़ा है और 1 घटाया है, तो देखिए वापस 0 ही होने वाला है। और ये प्लस का 2 sin x है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं माइनस का 2 sin x, और ये आपका हो गया cos x, क्लियर। और इसको मैं शो कर रहा हूं ब्रैकेट में, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा है क्वेश्चन पे, यहां पर है 2ab 2 sin x cos x, और मैंने यहां पर एक जोड़ा है और एक घटाया है, मैं इसको माइनस में नहीं लिख सकता, लेकिन ब्रैकेट लगा के यहां पर बाहर माइनस अगर मैं शो करूंगा तो माइनस और माइनस अगेन प्लस, तो देखिएगा 2 sin x cos x प्लस के फॉर्म में ही है। तो यहां से देखिएगा, यहां मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिएगा रूट टू 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस, अगर मैं 1 को लिखना चाहूंगा तो लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
टू साइन एक्स कॉस एक्स और साथ में dx तो है ही, तो यहां से देखिएगा रूट टू जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में, तो अपॉन में यहां से क्या आ रहा है देखिएगा ढंग से रूट वन माइनस, यहां फॉर्म बन गया वही होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो क्या लिखेंगे हम इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सर देखिए एक और मैं यहां पर आपको ट्रिक बता देता हूं, यहां अपन ने प्रतिस्थापन का मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है कि सर अगर मैं इस टर्म को इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को यहां पर अगर मैं इसको t कंसीडर कर दूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन सुनिएगा सर साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos हो जाएगा और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए ऊपर वाला टर्म भी मिल गया, इसीलिए तो इस 2ab के फॉर्म को मैंने होल स्क्वायर का फॉर्म दिया, होल स्क्वायर का फॉर्म भी ऐसा सेटअप किया कि नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म को अगर t मानेंगे तो ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिएगा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैंने कंसीडर किया टी, अरे क्लियर, और जैसे इसको टी कंसीडर किया डिफरेंशिएशन किया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस हो गया भाई प्लस, तो ये प्लस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो देखिए ऊपर वाला टर्म जो न्यूमरेटर का टर्म है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहां से देखिएगा रूट टू, अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा सर, लिमिट क्यों नहीं लगाया है उसका रीजन बताऊंगा, वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। देखो अगर ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल मतलब अनिश्चित समाकलन होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहां पर जो इंटीग्रेशन है वो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया है, एक निश्चित समाकलन आ गया, और निश्चित समाकलन में लिमिट का बहुत ही बड़ा रोल है, तो ये जो लिमिट्स आपको दिखाई दे रही है ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन वाली लिमिट है, मतलब x की वैल्यूज है, x की लिमिट्स है, लेकिन आपने पूरे ही फंक्शन को सर t में चेंज कर दिया तो ये x की लिमिट अगर आपने यहां लिख दी ना तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, और कई स्टूडेंट्स यहां पर यही मिस्टेक करते हैं कि जो लिमिट यहां लिखी उसी लिमिट को यहां रख देते, तो मेरी एक बात सुन लीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपका जब क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स वाले क्वेश्चन हो या डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन का जब भी क्वेश्चन आता है अगर वहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि लगाओगे, मतलब एक एक फंक्शन को मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करोगे तो आपको करना क्या है, इस लिमिट को भी चेंज करना है, तो यहां मैं लिख रहा हूं लिमिट चेंज, मतलब हिंदी में कहे तो सीमा परिवर्तन, यहां पर आपको क्या करना है लिमिट्स को चेंज करना है, ठीक है, अगर आपने यही लिमिट्स यूज कर दी तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो यहां से देखिएगा क्या करना है लिमिट्स को कैसे चेंज करना है, सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये t क्या वैल्यू देगा, देखो t वैल्यू देगा sin 0 माइनस cos 0, मतलब होता है sin 0 इज 0 cos 0 इज माइनस 1, क्लियर। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो t की वैल्यू बताओ, तो sin पाई बाय 2 माइनस cos पाई बाय 2, तो मतलब sin 90 माइनस cos 90, साइन 90 इज 1 कॉस 90 इज 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो यहां से लिमिट्स चेंज हो गई, तो जहां पर 0 है वहां तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, और जहां भी पाई बाय 2 है वहां क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो यहां देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है, ये छोटा मोटा कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री का तो हो जाएगा लेकिन ये सीमा परिवर्तन का जो क्वेश्चन है उसमें बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो लिमिट्स चेंज करना ना भूले जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करो, तो यहां देखिए इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, तो किसका इंटीग्रेशन है, रूट लगा है तो आपका कौन सा इंटीग्रेशन हो गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला रूट टू, और ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स टी का, ठीक है, टी अपॉन ए, तो टी अपॉन ए मतलब ए की वैल्यू तो 1 ही है और प्लस सी नहीं लगाना, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट से, तो यहां आपको क्या करना है लिमिट्स को पुट करना है, तो लिमिट आपके पास में माइनस वन से वन, तो रूट टू तो बाहर हो गया, साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स माइनस वन, वैल्यू आप बता सकते हैं रूट टू साइन इनवर्स वन होता है पाई बाय टू, बीच में निशान माइनस, साइन इनवर्स माइनस वन इज माइनस का पाई बाय टू, तो यहां से हो जाएगा रूट टू पाई बाय टू माइनस माइनस प्लस, देन कितना हो जाएगा रूट टू पाई, तो ये आपका बिल्कुल आंसर हो गया रूट टू पाई,
नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप इस लिमिट को चेंज करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। निश्चित समाकलन के अंदर से आपका क्वेश्चन जो बनता है वो डेफिनेटली ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बोर्ड के सामने बोर्ड पर जो लिखी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये छह प्रॉपर्टीज आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सेट है ना, तो आपका बिल्कुल वो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आने वाला है 6 मार्क्स का वो बन जाएगा। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर प्रॉपर्टी अगर अच्छे से ध्यान है तो गिने चुने सवाल ही तो है, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां से देखिएगा, यहां से हम देख रहे हैं निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टी जिसकी सहायता से हम एक निश्चित समाकलन को हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ए टू बी, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल अगर एक्स है वो डायरेक्टली वेरिएबल टी के इक्वल है, मतलब मैं कहना चाहूँ तो एफ एक्स इक्वल टू एफ टी, मतलब एक अगर फंक्शन सिर्फ एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स की जगह टी रख दूंगा तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर, मतलब यहाँ जो एक्स की लिमिट है ए से बी तो यहाँ भी वो ए से बी होगी। तो इस कंडीशन में लिमिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं, मतलब जो लिमिट एक्स की है वही लिमिट टी की होगी। अरे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है वो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर कहीं पर प्रूफ करते टाइम या क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर सपोज माइनस साइन आ जाए या इस माइनस को हटाना हो तो आप क्या करना चाहिए यहां से, कि अगर लिमिट ए से बी है तो हमको प्रॉपर्टी ने इतनी बड़ी हेल्प की है इस माइनस को हटाने के लिए कि ये जो लिमिट्स आपको दिख रही है इनको इंटरचेंज कर दो। कहने का मतलब जो अपर लिमिट है उसको लोअर बना दो और लोअर जो है उसको अपर बना दो, यहाँ पे वही किया। तो जैसे ही मैंने लिमिट का एक्सचेंज किया, लिमिट को चेंज किया, तो यहाँ पर साइन क्या आ गया, माइनस। अरे क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही जब इंटीग्रेशन के अंदर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो वहां पर साइन आ जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत से हैं। आपको जो मॉड्यूलस वाले जो इंटीग्रेशन है वो इन्हीं के हेल्प से होते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, अगर सपोज ए से बी एक इंटीग्रेशन है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे मॉड्यूलस के क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। ये भाई कब पॉसिबल है, जब यहां पर मैं लिख रहा हूं ए लेस देन सी लेस देन बी, कहने का मतलब ए से बी के बीच में एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी जो इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। अरे कुछ नहीं, याद करने का तरीका बता देता हूं। यहां लोअर लिमिट ए है तो लोअर लिमिट ए ही रहेगा, यहां अपर लिमिट बी है तो दूसरे इंटीग्रेशन में वो अपर लिमिट बी बन जाएगा। अब देखिए यहां जो आपका एक्स्ट्रा टर्म जो सी आया है ना, वो जो सी है ए और बी के बीच में जो वैल्यू है वो यहां पर इंटीग्रेशन की अपर लिमिट बन जाएगी और यहां इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट बन जाएगी। तो एक इंटीग्रेशन को दो पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हैं किस हेल्प से, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की हेल्प से। और इस क्वेश्चन की ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूलस के जो इंटीग्रेशन होते हैं ना वो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाते हैं। अरे क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आनी चाहिए कि एक ऐसी वैल्यू सी ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगी जो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। ओके, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी तो इतना इंपॉर्टेंट है, P4 नाम से ये फेमस प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपको करना क्या होता है, अगर ए से बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है तो मैं फंक्शन को चेंज कर सकता हूं कैसे। अरे यहां से ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, एक्स को रिप्लेस कर रहा हूं दोनों लिमिट्स को ऐड करके, मतलब ए प्लस बी करके माइनस एक्स करके। अगर आपने ये इस इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन को चेंज किया, मतलब फंक्शन के वेरिएबल को रिप्लेस किया दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों इंटीग्रेशन इक्वल होंगे। इसका पूरा प्रूफ है, डेरिवेशन है, इतना जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, ध्यान में रखना है कि हम इस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे,
हम x को रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करके माइनस करना है आपको। अरे क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हर जगह यूज होता है। अभी हम इनके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले, देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभार इंटीग्रेशन के अंदर अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाए तो वो इस प्रॉपर्टी से आ सकता है। कैसे? अगर माइनस ए से ए लिमिट है, माइनस वन से वन लिमिट है, माइनस फाइव से फाइव लिमिट है, डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज करना और उसमें ये चेक करना कि जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स, वो एफ एक्स विषम है या सम है, मतलब इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब सर ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन चेक कैसे किया जाता है? बहुत ईजी है। इवन और ऑड फंक्शन देखने के लिए आपको एक चेक करना पड़ता है कि अगर मैं फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखूं, मतलब एक्स को रिप्लेस करूं माइनस एक्स से और फंक्शन वही रहे तो सम फलन है, मतलब इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल को एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो फंक्शन के आगे भी नेगेटिव दे दे तो इसका मतलब है वो विषम फलन है, मतलब कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। अरे क्लियर हो गया होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें 4th और 5th तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 6। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बहुत क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे जिस पर आपको प्रूफ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए ये इंटीग्रेशन ये है। तो देखिए, अगर 0 से 2a अगर लिमिट हो एफ एक्स डी एक्स, तब इसमें भी आपको दो केस चेक करने पड़ेंगे तभी ये प्रॉपर्टी लगेगा। सर दो केस चेक करने का मतलब ये है कि फंक्शन में जो x है उसको रिप्लेस करो किससे? 2a माइनस एक्स से, अगर वो फिर भी एफ एक्स ही दे दे। इसका मतलब क्या है सर? कि अगर आपने x को रिप्लेस किया 2a माइनस एक्स से और फंक्शन ने वही फिर से दे दिया, मतलब फंक्शन में नो चेंज, देन आपको करना क्या है? जो 2a के साथ में 2 है उसको आगे ले जाना है, मतलब 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और अगर फंक्शन में x को रिप्लेस किया, मतलब इस वेरिएबल को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस किया और फंक्शन के साथ में नेगेटिव साइन आ गया, मतलब साइन ही चेंज हो गया, उस कंडीशन में डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को जीरो रखना है। अरे क्लियर हो गया होगा। मेनली आपके क्वेश्चन जो है वो इसी से सॉल्व हो जाता है, ऐसी कभी नौबत आती ही नहीं है। अरे क्लियर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 6, बहुत ही क्वेश्चन में काम आएगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको दे रखी है और इस पे भी बोर्ड का आजकल ट्रेंड, मतलब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। एक्स को हटाने का नियम, एक्स को निष्कासित करने का नियम, कहने का मतलब जो एफ एक्स के साथ में जो एक्स्ट्रा एक्स है ना, हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त पूरी होनी चाहिए। वो शर्त क्या है? कि फंक्शन को एक्स को रिप्लेस करेंगे दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस साइन के साथ में, अगर ये फॉलो करता है तभी इस एफ एक्स के साथ में आया हुआ जो एक्स्ट्रा एक्स है उसको हम हटा सकते हैं। तो हटाने का फॉर्मूला ये है, दोनों लिमिट्स को ऐड करो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 ए से बी और एक्स, देखो मैजिक हो गया, जादू हो गया, हट गया एक्स। और यहाँ कुछ भी नहीं करना है कि सबसे पहले एक्स को हटाने से पहले ही जो एक्स्ट्रा एक्स आया ना, अगर ये एक्स दिक्कत दे रहा है तो पहले चेक ये करो कि एक्स को रिप्लेस करो ए प्लस बी माइनस एक्स से, फंक्शन पे अगर कोई चेंज नहीं आता है तो आप इस एक्स को हटा सकते हैं। तो ए प्लस बी बाय 2 इंटीग्रेशन ए से बी, देखो बिल्कुल एक्स यहाँ से हट गया है और क्या आ गया आपका एफ एक्स डी एक्स। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को आप अच्छे से माइंड में रखिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करा दिया है, क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली ये प्रॉपर्टीज मिलने वाली है और तभी आपका इंटीग्रेशन का 6 मार्क्स कवर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए, जो प्रॉपर्टी वाला डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10 एक्स डी एक्स और प्रूफ करना है पाई बाय 8 लॉग 2। ये आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो देखिए, जब भी प्रूफ करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, जिसको हम आई कंसीडर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का आई 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10 एक्स डी एक्स। देखिए क्वेश्चन में जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का, आप डायरेक्ट अटैक कीजिएगा P4 से। जब आप क्वेश्चन की शुरुआत P4 से करेंगे, मतलब हर क्वेश्चन आपको P4 लगाकर ही देखना है, P4 चेक करना है कि P4 लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को P4 से स्टार्ट करते हैं कि P4 प्रॉपर्टी होती क्या है, A से B
एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है a से b, हम एफ एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स से, प्रॉपर्टी नंबर P4। ठीक है, तो इधर देखिएगा कैसे करना है, यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, तो i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग, प्रॉपर्टी लग रही है 1 प्लस 10। अब देखिए जहां भी x है रिप्लेस करना है किससे, दोनों लिमिट्स को ऐड किया माइनस x, दोनों लिमिट्स को जब आप ऐड करोगे तो 0 और पाई बाय 4 को ऐड किया तो हो जाएगा पाई बाय 4, तो मतलब x रिप्लेस हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस x। तो यहां देखिए 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स, ये इससे रिप्लेस हो गया, देखो x की वैल्यू इससे रिप्लेस हो गई, दोनों इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। अब इधर देखिएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, आपको यहाँ फॉर्मूला आना चाहिए, देखो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना तो फिर आपने मैथ्स गलत ले लिया, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर ढंग से क्लियर नहीं है तो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, कैसे करोगे इंटीग्रेशन, कुछ मतलब अस्तित्व ही मिट गया पूरा। अरे फिर ये इंटीग्रेशन ऐसे थोड़ी सॉल्व होंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं, और फिर आप कहते हैं कि इंटीग्रेशन हार्ड चैप्टर है, भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है, जब क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी तब तो कैसे आप कह सकते हो कि हार्ड है, जब फॉर्मूले ही नहीं आते होंगे तो लगेगा ही आपको डेफिनेटली इंटीग्रेशन हार्ड। तो यहां देखिए 10 a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 a माइनस 10 b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 a 10 b, ये 10 का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी, तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10 x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10 x, यहाँ से हम 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 1, तो i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 मतलब 45, 1 प्लस 1 माइनस 10 एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 एक्स, तो बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म आ गया। अब देखिए यहाँ पर LCM आ रहा है, तो LCM देखिएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग, LCM आ रहा है यहाँ पर 1 प्लस 10 एक्स और यहाँ है dx, तो जैसे ही 1 प्लस 10 एक्स LCM लिया तो ये मल्टीप्लाई किससे कर लेगा 1 से, तो यहाँ देखिएगा टर्म आ गया 1 प्लस 10 एक्स प्लस 1 माइनस 10 एक्स, 10 एक्स से 10 एक्स हो गया कैंसल, देन i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 एंड 1 हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 एक्स। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ पर आपको दे रखा है लॉग का फॉर्मूला m बाय n, और लॉग का फॉर्मूला m बाय n होता क्या है, log m माइनस log n। अरे भाई ये क्लियर होना चाहिए log की प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ये तो भाई बेसिक्स है, अगर यही क्लियर नहीं होगा तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो 0 से पाई बाय 4 log, log m माइनस log n मतलब log 2 माइनस log 1 प्लस 10 x, और साथ में आपका है ये dx, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो i 0 से पाई बाय 4 log 2 dx आपके साथ में ऐसा का ऐसा, और यहां भी 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 x और dx। देखिए ये कहीं जाना पहचाना लग रहा है, अरे जाना पहचाना क्यों नहीं है भाई, जहां से शुरुआत की थी वही आपको वापस मिल गया क्वेश्चन के एंड में, अरे जो आपने स्टार्ट किया था ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते 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 यहां तक आप पहुंचे और आपको वही फिर से मिल गया, और वो क्या मिला है देखिए i, तो देखिए i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 2 dx माइनस, और यहां से क्या है i लिख सकते हैं ना इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, हम इसको चेंज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये माइनस का i, क्योंकि हमको फाइनल तो i ही तो फाइन करना है, i का वैल्यू तो निकालना है, तो ये माइनस का इस तरफ आ गया तो i प्लस i 2i हो गया 0 से पाई बाय 4 log 2 आपका कांस्टेंट है और ये आपका dx। तो यहां से देखिए यहां से होने वाला क्या है, i की वैल्यू हो गई 1 बाय 2 log 2 और ये हो गया 0 से पाई बाय 4 dx। अरे क्लियर ना, और log 2 को बाहर ले लिया और इस 2 को नीचे भेज दिया, इंटीग्रेशन कीजिएगा dx का इंटीग्रेशन हो गया x, तो फाइनल i इक्वल टू 1 बाय 2 log 2 और dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट पुट करो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब पाई बाय 4 में से 0 गया
तो पाई बाय 4 और आंसर आ गया पाई बाय 8 लॉग 2। और ये आपका इसी के साथ में आपका ये पूरा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5/8 लॉग 2 आपको प्रूफ करना था। तो ये फॉर्मूला आपको ढंग से क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर P4, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, और साथ में ये लॉग का फॉर्मूला रखेंगे तो ये आपका पूरा जो इंटीग्रेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली प्रूफ हो जाएगा। नोट कीजिए, पर आपको क्वेश्चन दे रखा है 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, इसको आपको प्रूफ करना है, सॉरी इसको सॉल्व करना है। तो यहां से देखिए आपको करना क्या है कि पता कैसे लगेगा कि सर आपने x का निष्कासन पहले से ही बोल दिया। अरे सपोज यहां पे आप ये कंसीडर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सपोज x नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन सर कितना इजी होता। अरे सर कैसे, अरे 9 चैप्टर में हमने यही तो सीखा, इतने सारे सवाल इंटीग्रेशन में क्यों दिए गए। इंटीग्रेशन में इतने सारे मेथड्स, इतने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस ये क्यों दिए गए, क्योंकि आपका बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो आप सोचने की जो शक्ति है उसको विकसित कर पाएंगे। तो यहां से देखिए बड़े क्वेश्चन के अंदर ये छोटे क्वेश्चन का छोटा मोटा दिमाग यहाँ काम आता है। तो अगर सपोज यहाँ एक्स नहीं होता तो सर हम ये करते कि cos x को यहाँ t कंसिडर करते और cos x का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन होता है तो आपको बिल्कुल ऊपर वाला न्यूमरेटर टर्म मिल रहा है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाता। लेकिन सर यहाँ दिक्कत दे रहा है x, और अगर ये x दिक्कत दे रहा है तो इस x को हम हटा भी तो सकते हैं, हमने स्पेशल प्रॉपर्टी सीखी है। लेकिन x का निष्कासन नियम लगाने से पहले मैंने आपको यह कहा था कि आपको एक चीज चेक करना पड़ेगा। तो x के निष्कासन का नियम लगाने से पहले आपको ये चीज चेक करनी जरूरी है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो हम चेक कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बिल्कुल चेक करेंगे। देखिए जो x के साथ में जो ये चीज दे रखी है साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो फंक्शन होता है। इस एक्स को सम्मिलित नहीं करना, इस एक्स को तो हटाना है फंक्शन से। तो इस एक्स के साथ में जो ये फंक्शन दे रखा है ये आपका एफ एक्स है। क्लियर हो गई बात। तो इस फंक्शन को हम चेक करते हैं कि सर आपका फंक्शन जो दे रखा है वो है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और सर इस x को रिप्लेस करो ना a प्लस बी माइनस एक्स से। तो देखो चेक करते हैं, a और b को ऐड किया, पाई प्लस 0 मतलब पाई माइनस एक्स, मतलब फंक्शन को रिप्लेस करके देखना है पाई माइनस एक्स से, मतलब इस x के वेरिएबल को पाई माइनस एक्स से जब आप रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन अगेन वही मिल गया। कहने का मतलब इस x को आप इजीली हटा सकते हैं। अरे हुआ ना, देखा ना आपने मैथ्स का जादू कितना अच्छा है, कि जैसे ही आप x को वेरिएबल पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे ना तो यहां से ये होने वाला है कि x हट ही जाएगा। तो कितना अच्छा जादू है मैथ्स के अंदर। तो यहां से देखिए साइन साइन x की जगह रखिएगा पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सर साइन को आपने 180 फॉर्म में, एंगल को 180 फॉर्म में अगर आपने तोड़ा है तो 180 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज पे जाएगा, पाई माइनस मतलब सेकेंड का आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा, मतलब सेकेंड चतुर्थांश, और सेकेंड के अंदर साइन ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब सर यहाँ तो साइन एक्स ही आएगा, और अपॉन में सर कॉस पाई माइनस एक्स, मतलब कॉस भी 180 में आपका तोड़ा गया है तो 180 पर नो चेंज, पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड के अंदर साइन और कॉस की पॉजिटिव होते हैं तो कॉस क्या होता है नेगेटिव। तो कॉस अगर नेगेटिव होगा तो कॉस के ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ, वो भले ही नेगेटिव हो लेकिन नेगेटिव का तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको ये फंक्शन कहीं जाना पहचाना लग रहा है। अरे जाना पहचाना का सवाल ही तो यही है। अरे x के साथ में जो फंक्शन दे रखा है साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, भाई यही तो दे रखा है, ये फंक्शन ही तो है। तो देखिएगा x का निष्कासन नियम से पहले हमने इस प्रॉपर्टी को चेक किया और वो बिल्कुल कह रहा है कि a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब आप यहां पे गणित का जादू बिल्कुल लगा सकते हो और ऐसे लगाएंगे कि x गायब हो जाएगा। तो x को गायब करने के लिए फॉर्मूला विद्यमान है a से b एफ एक्स डी एक्स, ये जो x है ना इसको हम हटाएंगे, a और b को जोड़कर डिवाइड में 2 लगाकर a से b, देखो x गायब हो गया, a से b एफ एक्स डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अच्छे ढंग से आपको क्लियर होना चाहिए।
तो देखिए ये भी आपको एग्जाम में लिखना जरूर कि x का निष्कासन आपने कैसे किया। तो यहां पर x हट गया है, तो आपको देखिए i इक्वल टू था मेरे पास में 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने बता दिया कि x हट सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों चीज इक्वल है। जैसे ही x हटेगा तो i इक्वल टू दोनों लिमिट्स को ऐड किया, पाई प्लस 0 मतलब पाई और पाई डिवाइडेड बाय 2। x को हटाओ ना तो साइन एक्स डी एक्स डिवाइड में हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से क्या करेंगे तो माना वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, cos x को माना t, तो cos x का होता है सर माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर dt। सर ऊपर तो साइन एक्स डी एक्स ही है, ये सर माइनस क्या कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को इधर लिखो ना साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का dt। तो इस कंडीशन के बाद में आपको यहां पर ये पुट करना है, ये जीरो से पाई लिमिट है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि सर फंक्शन x के अंदर है, वेरिएबल x को चेंज कर दिया गया है t के माध्यम से, और जैसे ही वेरिएबल का एक्सचेंज हुआ, इंटरचेंज हुआ, तब आपको क्या करना है याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं इस पॉइंट को, सीमा परिवर्तन लिमिट्स को चेंज करना ना भूले। ये बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आपको इस लिमिट्स को बिल्कुल चेंज करना है, क्योंकि ये भाई x की अब इंटीग्रेशन आपका t में आ गया। तो देखिएगा अगर x की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर t की वैल्यू हो जाएगी cos 0 बराबर 1, और सर अगर x की वैल्यू पाई होगी तो t इक्वल टू cos पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। अरे क्लियर हो गया ना, तो यहां से हो गया i इक्वल टू पाई बाय 2, 0 की जगह आ जाएगा 1 माइनस 1, साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। सर इस कंडीशन के बाद में आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर आपको क्या करना है, इस माइनस को आप हटा सकते हैं। सर प्रॉपर्टी बताइए बिल्कुल कि लिमिट्स को इंटरचेंज करोगे तो ये माइनस हट जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, इधर देखो अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है, अगर माइनस गड़बड़ कर रहा है तो एक और माइनस लगा सकते हैं ना लिमिट्स को चेंज करके। अरे क्लियर हो गया होगा, अगर लिमिट का इंटरचेंज होगा तो यहां पर जो माइनस है एक और माइनस आके प्लस बना देगा। तो यहां से देखो i इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 1 से 1, और यहां माइनस साइन हट गया क्योंकि यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पे आप सम विषम फलन से भी आप इसको कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी सही है। i इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि माइनस ए से ये लिमिट है ना, वो भी प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो। तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन सर होता है tan इनवर्स t और लिमिट हो जाएगी माइनस 1 से 1। अरे क्लियर, तो यहां से आप लिमिट्स को पुट कीजिएगा, i इक्वल टू पाई बाय 2 tan इनवर्स t की जगह 1 माइनस tan इनवर्स t की जगह माइनस 1, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट बीच में माइनस, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाय 4। तो i इक्वल टू पाई बाय 2 और हो गया पाई, कितना हो गया पाई बाय 4 और पाई बाय 4 हो गया अगेन पाई बाय 2, आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज आपको ये माइनस साइन वाली पता होनी चाहिए, और साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट x का निष्कासन नियम, बोर्ड आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाना।